चैप्टर नंबर 7 the topic introduction trigonometry exercise number 7.4. okay, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 डिविजिबल है. क्वेश्चन नंबर 18 इज 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. आपने प्रूफ करवाना है दैट इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट थीटा. सोल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. ओब्वियसली आपको क्वेश्चन देखते साथ ही पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड को कि लेफ्ट हैंड साइड की जो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं दैट इज इन फ्रैक्शन फॉर्म. तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका एलसीएम लेना पड़ेगा. एक मिनट स्टूडेंट, मैं इनकी रिक्वेस्ट एडमिट कर लूँ. स्टूडेंट्स आगे कुछ कंटिन्यू कर. ओके, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पहले एलसीएम लेंगे. क्रॉस एलसीएम लिया हमने तो ये आपके पास जो है ये हमने कल कर नहीं दिया था निश्रा. ये हो गया था ना क्वेश्चन नंबर 18. हाँ क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था. इससे आगे वाला करना है क्वेश्चन नंबर 19 फिर इसी टाइप का है. वो आप लोग खुद करेंगे. मैं क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन करवा देते हैं. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, आज लोड शेडिंग हो गई है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो जल्दी जल्दी में कुछ उल्टा ही हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड क्वेश्चन रह गए थे. 19 आपको मैं आज होम असाइनमेंट पे दूंगी. तो क्वेश्चन नंबर 20 इज समझ, आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया तो अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 20 से ऑनवर्ड क्वेश्चन आज सॉल्व करने. दैट इज 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 20 है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टेन थीटा सेकेंड थीटा. ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पिक करके सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा. ओके, अब इसका हम क्रॉस एलसीएम लेंगे. आप सबको पता है क्रॉस एलसीएम में आपके पास जो 1 प्लस साइन थीटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा. ओब्वियसली बिल्कुल सेम टर्म्स है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये सेम टर्म्स है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में आपके पास इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? ताकि नेक्स्ट मूव करें. ओके ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आपके न्यूमरेटर्स हैं एक 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है एक 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है. तो इनके होल स्क्वायर्स वाले फार्मूलाज अप्लाई होंगे. आपको पता है कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर था दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड इन द केस ऑफ पॉजिटिव साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आपने स्क्वायर्स ओपन करने हैं इसके. ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 1 2 हो जाता है तो 2 साइन थीटा. यहाँ आपके पास दरम्यान में माइनस का साइन है तो जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसकी ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के ऊपर करना ताकि आपके साइन की मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो जितना हो सके. ठीक है, मैं इसको अब नीचे करके ओपन करती हूँ. दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 1 2 2 साइन थीटा. ठीक है,
अब डिनोमिनेटर में आप देखें तो ये 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो आपके माइंड में फौरन ये फार्मूला क्लिक कर जाएगा, एक माइनस में हो तो एक प्लस में हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नीचे अप्लाई करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 माइनस साइन स्क्र थीटा। अब इस स्टेप में आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और साथ स्क्वेयर्स खोलने, 1 का स्क्वेयर आपके पास 1 स्क्वेयर 1 ही हो जाता है, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस पे ओपन करें, -1 स्क्वेयर ऑब्वियसली -1 हो जाएगा, -+(-sin²θ) और -(+2sin θ) और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 स्क्वेयर -sin²θ। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि sin²θ जो रिलेशन पढ़ा था sin²θ + cos²θ = 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वेयर को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे तो आपके पास आ जाता है cos²θ = 1 और sin²θ इधर जाके माइनस हो जाएगा 1 - sin²θ। तो आपको पता चल गया कि 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 1 स्क्वेयर - sin²θ जो है that = cos²θ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है cos²θ। यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, इसके बाद आप लोग ये नोट डाउन कर लें, फिर ऊपर से मैं रेस करके आगे करवाती हूँ। वाइज अब क्लियर हो गया या एक दफा रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए? बस एक स्टेप रह गया है, उसको हम यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। ज्यादा रेस नहीं कर रही, जिनका नहीं हुआ वो साथ साथ नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपके पास जो है 2 + 2 = 4sin θ और नीचे डिनोमिनेटर में था cos²θ, स्क्वायर है, तो मैं इसे cos θ * cos θ में ब्रेक करके लिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में है कि जो tan θ था that = sin θ / cos θ, तो जब मैं एक cos² को ब्रेक कर दूंगी तो जो sin θ / cos θ है वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा एक, और एक आपके पास डिनोमिनेटर में 1 cos θ, वो भी आपको पता है कि 1 cos θ that = sec θ, तो उस 1 cos को भी आपने रिप्लेस कर दिया sec θ के साथ, तो विच इज राइट हैंड साइड, आपने यही प्रूफ करवाना था। ठीक है, सॉरी आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा मैं रिपीट करती हूँ, बोल दिया करें, जो ही आप लोग जहाँ मैं लिख रही होती हूँ मैं इस साइड पे देख नहीं रही होती ज्यादातर। अच्छा यहाँ देखिए, आपने ये स्टेप किया था कि साइंस के प्लस में माइनस में कट किया, +1 है -1 है, कैंसिल हो गया। तो अब जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स थी न्यूमिरेटर में, 2 sin θ + 2 sin θ थी नीचे जो एंड में था। ठीक है, वो अब वो नजर नहीं आ रहा, ये +1 - 1 कैंसिल हो गया था, +sin²- sin² कैंसिल हो गया था, 2 sin θ + 2 sin θ आपके पास रह गया that is 4 sin θ। तो ये आपने ऊपर राइट डाउन कर दिया यहाँ that is 4 sin θ, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में जो था वो आपके पास था cos²θ। अब ये cos²θ इसको हमने ऊपर cos² को ब्रेक करके लिख दिया cos θ * cos θ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि sin/cos जो है that is = tan θ, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं tan थीटा के साथ। अब 1 cos रह गया एंड 1 cos = sec θ, तो वो हमने sec θ राइट डाउन कर दिया। तो सो 4 tan θ sec θ आंसर आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। गुड, ठीक है, अब नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21 उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 23, 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपल वो भी बट इम्पोर्टेंट। अच्छा जहाँ से वीडियो विजिबल ना हो तो मुझे बताना है, ठीक है, ऐसे मैं पढ़ाती रहूँ आपको नज़र ही ना आता है, जैसे समझ पॉइंट आउट कर देते हैं इस तरह बाकी भी कर दे, समझ बोल दिया करें जहाँ से नज़र ना आए, नहीं क्योंकि साइड पे देख नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 21 इज sin³θ प्रूव करवाना है, that is = sin θ - sin θ × cos θ। वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, that is sin³θ, और आप
साइन क्यूब थीटा का, क्यूब का तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, स्केयर का पढ़ा। मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ एक साइन थीटा में और साइन स्केयर में। अब जो ही साइन स्केयर में ब्रेक किया तो आपके माइंड में खुद एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लिक करने लगेगी। दैट इज आपने पढ़ा था कि जो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा है दैट इज इक्वल्स टू वन। तो विच इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको साइन स्केयर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन स्केयर थीटा इक्वल वन प्लस सॉरी कॉस स्केयर थीटा यहाँ प्लस हो रहा है, साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्केयर थीटा। सो इस साइन स्केयर को हमने रिप्लेस कर दिया वन माइनस कॉस स्केयर थीटा के साथ, बस जस्ट मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड आ जाएगी साइन स्केयर साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन कॉस स्केयर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली ये ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वॉइस आपको भी क्लियर हो चुका है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। अगेन वो भी इजी क्वेश्चन है, इतना शॉर्ट सही है वो भी। क्वेश्चन नंबर 22 cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूव करवाना है दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखते साथ ही सोचना शुरू कर दिया होंगे कि आज तक तो हमने 4 पावर्स का फार्मूला तो नहीं पढ़ा। फोर पावर्स को ब्रेक तो हम स्केयर में कर सकते हैं ना, ये मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, 2 2 4 होता है तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले में इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ जो आपका फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें ए की जगह कॉस स्केयर है और बी की जगह साइन स्केयर है, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में इसे राइट डाउन करें तो कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ऑब्वियसली प्लस वाले को देख के देखते साथ ही आपके माइंड में वो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री का आना स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। वो रिलेशन आपके माइंड में आना स्टार्ट हो चुका होगा कि आपने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू वन, तो ये तो वन के इक्वल हो जाएगा तो वन को तो राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, समझ की क्लास लीव हो गई थी, देखें समझ। क्वेश्चन इज कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्रूव करवाना है दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, तो आपने इसको ब्रेक किया पहले स्क्वायर्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला, अब इसमें अप्लाई करना अप्लाई होगा बिकॉज ये स्क्वायर की फॉर्म में और बीच में माइनस का साइन है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर है बी की जगह वैल्यू साइन स्क्वायर है, तो एक दफा इसे प्लस में राइट डाउन कर दिया और एक दफा इसे माइनस में राइट डाउन कर दिया, तो आपका जो प्लस वाला है ऑब्वियसली आप सबको याद होगा कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन होता है, तो उसका आंसर वन आ जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम क्लियर। गुड ठीक है, अब ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ओके इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ये बोर्ड में आ चुके हैं कई दफा, इसको जरा इम्पोर्टेंस देना। अच्छा
अब आपको रेशनलाइज करने का जो आपने वे पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, आप न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म के साथ आप जो है इसको रेशनलाइज करें, न्यूमरेटर से या डिनोमिनेटर से, किससे आपकी राइट हैंड साइड आ सकती है। तो आप जरा डिनोमिनेटर में देखें राइट हैंड साइड की, तो 1 माइनस की ट्रिक है एक किस्म की कि आपको रेशनलाइज पकड़ना पता चले कि न्यूमरेटर से करना है या इस वक्त डिनोमिनेटर से। तो राइट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस कॉस थीटा, मीन्स आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है अगर आप न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसे न्यूमरेटर से रेशनलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आप 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो तभी ये 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनेगा और ये स्क्वायर रूट कैंसिल करके तभी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस आ सकता है। सो आपके माइंड में ये बात हो जानी चाहिए, राइट हैंड साइड तो देख के आ जानी चाहिए, सॉरी, कि कौन से टर्म से न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपने देखा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, इट्स मीन न्यूमिनेटर से रेशनलाइज करेंगे तभी ये 1 माइनस कॉस है स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है अगर इसका होल स्क्वायर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग, और कोई स्टेप नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट जरूर है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। रेशनलाइज आपने इसको डिनोमिनेटर से किया, सॉरी न्यूमिरेटर से किया, प्लस है तो माइनस लगा के आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये ए प्लस बी ए माइनस भी बन जाता है, तो दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाता है। ये और ये कैंसिल, एक मिनट, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे। आपको ये बात पता है कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, इसको जरा अरेंज करें तो साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, इट्स मीन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर के इक्वल है। तो अब आपने रूट स्क्वेयर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू साइन स्क्वेयर थीटा, और डिनोमिनेटर में जो एज इट इज है उसे राइट डाउन करें। अब आप इन वैल्यूज को इकट्ठा कैंसिल कर देंगे, इससे कैंसिल, इसने आपने ऊपर से स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ गया साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हुआ सबको? रिपीट कर दूं? ओके, रिपीट करती हूँ। आपके पास है स्क्वेयर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ऑफकोर्स स्क्वेयर रूट खत्म करने का जो प्रोसीजर है वो एक ही है, दैट इज रेशनलाइजिंग प्रोसीजर, जो फिलहाल अभी तक आपने पढ़ा है। लेकिन अब आपने राइट हैंड साइड को लाना है, आंसर तो यही आना चाहिए। तो रेशनलाइजिंग के प्रोसीजर में तो आपने न्यूमिरेटर से भी कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी कि आपने आइदर न्यूमिरेटर से करना है, यानी ऊपर वाली टर्म से करना है, या नीचे वाली से, तो वो राइट हैंड साइड आपको बताएगी। आपको राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चाहिए 1 माइनस कॉस, तो इस साइड पे देखें तो वो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है और अभी तो वो रूट के अंदर है। अब आपको रूट के बाहर चाहिए राइट हैंड साइड में, तो अगर हम डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करेंगे ये तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता 1 माइनस कॉस का। तो इट्स मीन अगर आप न्यूमिरेटर की वैल्यू यानी ऊपर वाली वैल्यू से रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस कॉस है तो उसको 1 माइनस कॉस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास नीचे वाली टर्म 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर आ जाएगी। ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छे इस फॉर्मूले को भी राइट डाउन कर लें, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला अप्लाई हुआ है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ इस रिलेशन से फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, तो इसकी साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिलेशन की, तो आपके पास राइट हैंड साइड आई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, आप लोग ये नोट डाउन करें, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं